राहुल, सोनिया और प्रियंका के हाथ से अगर कांग्रेस की कमान छिटकी तो पार्टी की बागडोर किस काबिल हाथ में जाएगी? ये सवाल यूं ही मौजूद नहीं। अटकलों का बाजार तब गर्म हुआ जब राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि पार्टी के सुप्रीम होने में उनकी कोई दिलचस्पी ही नहीं। उधर सोनिया गांधी की तबीयत इन दिनों नासाज है, तो सक्रिय तौर पर पार्टी को एक्टिव रखना उनके लिए मुश्किल साबित हो सकता है। उधर यूपी विधानसभा चुनावों में फिसड्डी परफॉर्मेंस के बाद प्रियंका की दावेदारी भी अधर पर लटकी है। अब ऐसे में सवाल ये कि अगर गांधी परिवार नहीं तो फिर कौन वो योग्य चेहरा होगा जो कांग्रेस सुप्रीम बन सकेगा। खास बात यह है कि चुनावों में लगातार हो रही हार और सीनियर लीडर्स के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ रही हैं। ऐसे में पार्टी को मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है। अब अगर गांधी परिवार से बाहर कोई पार्टी सुप्रीम बनता है तो ये पहली बार होगा साल 1998 के बाद कि कोई गैर गांधी पार्टी प्रमुख बनेगा। खबरें हैं कि अशोक गहलोत, मीरा कुमार, सुशील कुमार शिंदे ऐसे तमाम नाम हैं जिन पर पार्टी आलाकमान विचार कर रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर्स राहुल गांधी की मान मनोवल में जुटे हैं, लेकिन ये कोशिश सकारात्मक दिशा में बढ़ती नहीं दिख रही। उधर कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नजदीक है और पार्टी के सभी जिम्मेदार नेताओं के लिए एक बड़ी चुनौती इस बात को लेकर कि किसके दिशा निर्देश और मार्गदर्शन पर पार्टी आगामी चुनावों का एजेंडा सेट करे।